The internet is full of bro science, fake knowledge, half information or propaganda. Your quest of reliable, authentic health information ends here. So subscribe this channel and hit the bell icon and you never have to go anywhere else ever again. Treatment of IBS. Kya hai IBS? Irritable bowel syndrome ka treatment. Bahut hi bada sawal hai aur kai sare even हमें समझना ज़रूरी है पेशेंट्स को डॉक्टर्स को कि आईबीएस का ट्रीटमेंट अलग अलग डॉक्टर्स अलग अलग सिस्टम से करते हैं लेकिन यही सारी मेडिकेशंस हैं जो वो इस्तेमाल करते हैं मिला जुला के राइट क्योंकि आईबीएस एक लाइफस्टाइल चेंजेस मेन चीज़ है इसमें ट्रीटमेंट के लिए सो आपका लाइफस्टाइल चेंज आपकी डाइट आपका न्यूट्रिशन सबसे ज़रूरी है राइट आईबीएस के ट्रीटमेंट में और उसके बाद आता है मेडिकेशन सो हमने ऑलरेडी आपको डाइट वाले सेक्शन में बताया था कि आपको फाइबर ज़्यादा खाना होगा डाइट में आप ग्लूटेन अवॉइड करके देख सकते हैं आप एक नया टाइप की डाइट जो फॉडमैप डाइट है जो बेसिकली नॉन वेजिटेरियन डाइट ज़्यादा हो जाएगी कार्बोहाइड्रेट कम हो जाएगा वो देख सकते हैं वो कर सकते हो एंड द फोर्थ वन इज़ टू अवॉइड मिल्क फॉर अ वीक सो ये भी आप ट्राई कर सकते हो डाइट में विच यू कैन एक्चुअली यूज़ ठीक है और उसके अलावा रिसर्च ये बताती है अगर आप अपनी फिजिकल एक्टिविटी बढ़ाते हो स्ट्रेस आपके माइंड स्ट्रेस जो है वो कम करते हो सो दैट गिव्स अ बिग बूस्ट इन योर आईबीएस स्ट्रेसफुल सिचुएशंस या अच्छी नींद लेना सही मात्रा में पानी पीना बहुत इंपॉर्टेंट बहुत अच्छा है आपके आईबीएस के लिए रिमेंबर दैट राइट सो ये सारी चीज़ें आपको लाइफस्टाइल चेंजेस में करना है एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट मेडिकेशंस मेडिकेशंस आपको हेल्प करेंगी आपके इस चीज़ से को कंट्रोल करने में सिम्टम्स को कंट्रोल करने में अगर आपको याद रखिए आईबीएस के दो प्रकार होते हैं आईबीएस सी कॉन्स्टिपेशन वाला आईबीएस डी डायरिया वाला अगर आपको आईबीएस डी है तो हमारा ऑब्जेक्टिव होता है कि डायरिया को रोके आपको लूज मोशन को रोकें तो पहला टैबलेट जो हम जो नॉर्मली दिया जाता है लोपेरामाइड इमोडियम दिया जाता है इमोडियम का टैबलेट जो है वो उसके अलावा वो कई कई बार एक टैबलेट देने से ही हो जाता है कई बार दो एक साथ दे के फिर एक एक लूज मोशन के बाद एक एक देना पड़ सकता है उसके अलावा जो दूसरा हमें देना पड़ता है वो है एंटीबायोटिक यूज़ किया जा सकता है रिफैक्सिमिन रिफैक्सिमिन बहुत कॉमनली यूज़ करते हैं डॉक्टर्स गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट और फिर अलग अलग तरीके की दवाई हैं जैसे कि जो एलुक्सैल्डोलॉइन करके दवाई है एलुक्सैल्डोलॉइन नाम है या फिर एलोजेट्रॉन करके नई दवाई है लोट्रोनेक्स ये बेसिकली विमेन को फीमेल को दी जाती है लेकिन ये बहुत हाई लेवल की दवाई है डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन वगैरह आपको नहीं लेनी चाहिए देन कॉन्स्टिपेशन अगर आपको हो रहा है तो दवाइयाँ अलग होती है कॉन्स्टिपेशन में आपको फाइबर सप्लीमेंट्स दिए जाते हैं इसबगोल बहुत इंपॉर्टेंट साथ में आपको दिया जाता है इसबगोल बाय द वे लूज मोशन में भी हेल्प करेंगे और क्योंकि वो फाइबर है फाइबर लूज मोशन में भी हेल्प करेंगे लेकिन कॉन्स्टिपेशन में बहुत अच्छे से हेल्प करेंगे पानी के साथ फाइबर बढ़ाना है साथ में सॉफ्टोवैक करके उसके साथ माइल्ड लैक्सेटिव ऐड हो सकता है माइल्ड लैक्सेटिव्स आप नेचुरल लैक्सेटिव्स में भी जा सकते हो केला जैसे खा सकते हो और नॉर्मल आर्टिफिशियल जो लैक्सेटिव्स आते हैं वो ले सकते हैं राइट इसके अलावा कई सारी दवाई हैं जो आती है बेसिकली ये है लैक्सेटिव्स ही सो लैक्सेटिव में लूपीप्रोस्टोन या दूसरी ऐसी नई दवाइयाँ हैं जो आप ले सकते हो कई बार पेट में दर्द बहुत ज़्यादा होता है लोगों को ब्लोटिंग की वजह से उन केस में एंटी स्पाज्मोटिक यानी स्पाज्म सा हो जाता है लैटरिन मोशंस में तो वो एंटी स्पाज्मोटिक दवाई देनी पड़ती है जिसको कुछ हफ्तों के लिए दिया जाता है कॉम्बिनेशन के साथ भी आती है एंटी स्पाज्मोटिक लैक्सेटिव और ऐसी और कई बार हमें अगर लगता है कि ये इसके कारण एन्जाइटी है कोई स्ट्रेस है कोई बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में जा रहा है पर्सन स्ट्रेसफुल है लाइफ तो एंटी डिप्रेसेंट एंटी स्ट्रेसेंट मूड स्टेबलाइजर्स दिए जा सकते हैं SSRI सिलेक्टिव सेरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर्स ट्राईसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट्स ऐसी चीज़ें भी दिए जा सकती हैं और कई बार पेपरमिंट ऑयल कैप्सूल्स दिए जाते हैं पेपरमिंट ऑयल कैप्सूल्स कोटेड पेपरमिंट ऑयल कैप्सूल्स भी दिए जा सकते हैं ऐसे केसेस में रिमेंबर दिस राइट सो ये बेसिक मेडिकेशंस होती हैं इसके साथ दिए जाते हैं प्रोबायोटिक्स प्रोबायोटिक्स क्या है
प्रोबायोटिक्स माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं जो मोस्टली बैक्टीरियाज हैं जो आपके माइक्रो ऑर्गेनिजम्स डाइजेस्टिव ट्रैक में रहते हैं उनसे बिल्कुल सिमिलर होते हैं, तो ये दिए जाते हैं ताकि आप रह आपके गट बैक्टीरिया बेटर रहें, गट हेल्दी रहे, तो आप वो ले सकते हैं, वो दिए जाते हैं नॉर्मली। प्रोबायोटिक्स आर इम्पॉर्टेंट इन द ट्रीटमेंट। फिर कई बार मेंटल थेरेपी, मेंटल हेल्थ थेरेपी की भी ज़रूरत पड़ती है, कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी हो जाए, गट डायरेक्शनल हिप्नोथेरेपी हो जाए, या रिलैक्सेशन टेक्निक हो जाए, मात्र सिंपल डीप ब्रीदिंग मेडिटेशन टू रिड्यूस स्ट्रेस या एक्सरसाइज टू रिड्यूस स्ट्रेस ऑल्सो वर्क्स। रिमेंबर ये बेसिक ट्रीटमेंट ट्राई होता है। इसके अलावा कई लोग और भी कई ट्रीटमेंट लेते हैं, हिप्नोथेरेपी, प्रोबायोटिक, पेपरमिंट ऑयल मैंने बता चुका हूँ, हर्बल रेमेडीज़ भी अवेलेबल है कई जगहों पे, हर्बल ट्रीटमेंट्स लोग ट्राई करते हैं, उसमें 70 से ज़्यादा हर्बल रेमेडीज चीज़ें पाई जाती है, एक्यूपंक्चर कई लोग ट्राई करते हैं। अल्टीमेटली ट्रीटमेंट हर एक में ट्रायल बेसिस, आप ट्रायल एंड एरर करके ही आपको पता चलेगा आपके केस में क्या काम करेगा। रिमेंबर IBS का मेन ट्रीटमेंट है डाइट, न्यूट्रिशन, लाइफस्टाइल चेंजेस, दवाएं और अलग चीज़ें सारी सेकेंडरी हैं। सो रिमेंबर टू वर्क ऑन योर लाइफस्टाइल एंड देन ओनली यू विल गेट रिड ऑफ दिस डिजीज विथ द हेल्प ऑफ योर डॉक्टर एंड योर ओन हेल्प। सो दैट्स ऑल अबाउट दिस। लेट मी नो योर क्वेश्चंस, आई विल ट्राई टू आंसर देम एज सून एज पॉसिबल।